दानी सभा में वो व्यक्ति है अगर आज ये साथी नेता मरा तो सरकार हमारी नहीं बचती, सुन लीजिए आप। दानी सभा साथ नहीं देता तो आज मैं यहाँ पर आप यहाँ खड़ा नहीं मिलता आपको, दूसरे कोई मुख्यमंत्री होता। दानी सभा ने टाइमली इन्फॉर्मेशन दी सारी, उस कारण हमारी सरकार बच गई। प्रदेश में अनूठे प्रयोग के तौर पर हुए ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का बीते रोज समापन हो गया। समापन समारोह में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीते रोज गुरुवार को पहले भरतपुर और उसके बाद सवाई माधोपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम गहलोत ने अपने चिर परिचित अंदाज में जहां पीएम मोदी अमित शाह पर जमकर निशाना साधा ही, तो वहीं सियासी संकट के समय सचिन पायलट का साथ छोड़ गहलोत गुट में शामिल होने वाले सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि दानिश अबरार अगर साथ नहीं देते तो शायद उनकी सरकार नहीं बचती और उनकी जगह आज कोई और मुख्यमंत्री, जाने किस पार्टी का मुख्यमंत्री यहां खड़ा होता। आपको बता दे, दो साल पहले 2020 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एवं 18 अन्य विधायकों द्वारा कई मुद्दों पर नाराजगी के चलते बगावती तेवर अपनाए जाने के कारण गहलोत सरकार संकट में आ गई थी। उस समय दानिश अबरार और प्रशांत बैरवा सहित करीब 10 से ज्यादा विधायकों ने लास्ट मोमेंट पर पायलट का साथ छोड़ गहलोत गुट में शामिल हो गए थे। इस घटना के समय का बड़ा खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि किस तरह समय रहते विधायक दानिश अबरार ने सीएम गहलोत को सारी सूचना देकर पायलट के प्लान को फेल करवाया। बीते रोज सवाई माधोपुर में अबरार की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि दानिश अबरार वो व्यक्ति है अगर आज ये साथी नेता मरा तो सरकार हमारी नहीं बचती, सुन लीजिए आप। दानिश अबरार साथ नहीं देता तो आज मैं यहाँ पर आप यहाँ खड़ा नहीं मिलता आपको, दूसरे कोई मुख्यमंत्री होता। दानिश अबरार ने टाइमली इन्फॉर्मेशन दी सारी, उस कारण हमारी सरकार बच गई। इसके साथ ही हाल ही में गोवा में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि और सरकार बचना कितनी बड़ी बात, कर्नाटक में सरकार चली गई, मध्य प्रदेश चली गई, देखते देखते आपके अभी हाल ही महाराष्ट्र की चली गई और कल चले गए एमएलए गोवा के अंदर, पहले अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ही किया, गेम उल्टा कर दिया। अब बताइए जो ये प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी दोनों मिलके जो ये हॉर्स ट्रेडिंग का नया मॉडल लेके आया देश के अंदर, ये तो दुनिया में कहीं नहीं होगा, ये लोकतंत्र है। यही नहीं, सीएम गहलोत ने आगे कहा कि फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रहेगा, लोग माई बाप लोग होते हैं, वोट देते हैं, वो सरकार बनाते हैं, वो फिर मतलब क्या रहेगा। अगर यही रह गया तो पैसे के बलबूते पे खरीदो, भेड़ बकरियों की तरह खरीदो और सरकार बना लो, ये मॉडल उनका है और भेड़ बकरियां बनने के लिए तैयार है लोग बाग। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, जिसको जनता लाखों लोग वोट देकर जीता के बेचती है वो भेड़ बकरियों की तरह जाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।